इस वक्त इंडिया के हालात इंतहाई कशीदगी इख्तियार कर चुके हैं। मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। इंडियन टीवी पर एक खातून जो मोदी सरकार की स्पोक्स पर्सन है, नौरपर शर्मा, उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस में गुस्ताही की है और कुरान मजीद की सदाकत को जुटलाया है, कुरान मजीद की आयात का मजाक बनाया है। दोस्तों, बड़े ही दुख की बात है, इस वक्त इंडिया में सारे मुसलमान सड़कों पर हैं और इसके लिए एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इस जो प्लीट जो ये है शर्मा, इसको जल्द से जल्द जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इसकी गिरफ्तारी का अमल जारी किया जाए। मुसलमानों ने इस पर FIR तो दर्ज करवाई लेकिन उसकी तरफ कोई पेश रफ्त नहीं हो सकी, अभी तक इसे गिरफ्तार नहीं किया गया और ये अभी भी अपने इस नापाक जो अल्फाज इसने बयान किए उस पर डटी हुई है और उल्टा मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि मुसलमान जो हैं हमारे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। दोस्तों, मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, भूख प्यास हर चीज़ जो भी उसे मुसीबत है वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस में गुस्ताखी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वक्त दीगर ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तरफ से भी एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें अमान में इनके प्रोडक्ट्स पर, इंडिया के प्रोडक्ट्स पर वक्ती एक पाबंदी लगाई गई है और दूसरे ममालिक में भी, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है इंडिया में। तो हमें चाहिए कि सोशल मीडिया के थ्रू और दीगर जितने भी ज़राए हैं उसके थ्रू इस मोदी सरकार को जो है नंगा किया जाए और इसने जो सेकुलर बनने का इसका जो दावा है वो बिल्कुल मुस्तर्द हुआ है और बिल्कुल ही ये मुसलमानों के जो भी पॉलिसी आ रही है वो ख़िलाफ़ आ रही है। तो ये थी इंडिया की खबर।